बलोचिस्तान असम्बली अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो जाएगी। अरकान सूबाई असम्बली का यह गिला है कि वफाक में बलोचिस्तान की किसी करारदाद पर अमल दरामद ना हो सका। नदीम कौसर हमें रिपोर्ट करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली ने अगस्त 2018 से लेकर अब तक 61 सरकारी और 133 प्राइवेट करारदादें मंजूर की। 2018-19 में 37 करारदादें मंजूर हुईं, 2019-20 में 33, 2020-21 में 39, 2021-22 में 47 और 2022-23 में 38 करारदादें मंजूर की गईं, जिनमें कोरोना, सैलाब, जलजला, तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक करारदादें शामिल हैं। दरगई और खिबजई और मुसाखिल तोंसा रोड का था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया गया, ये करारदाद पास हुई। दूसरे जो ज़री तरक्याती बैंक के जो सूद और कर्जे हैं उनको ख़त्म करने का करारदाद पास किया गया। इसी तरह दीगर करारदाद, ये अभी वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इस असम्बली के तकद्दस का ख्याल रखे और तमाम करारदादे जितनी भी मंजूर हुई है उन पर अमल दरामद कराए। बुसान असम्बली में 5 वर्षों में मंजूर होने वाली करारदादों में से ज्यादातर का ताल्लुक वफाकी हुकूमत से था। वफाक में 5 वर्षों में 2 हुकूमतें रहीं, लेकिन इन हुकूमतों ने सूबे से मंजूर होकर आने वाली करारदादों पर अमल दरामद करना तो दूर की बात, सिर्फ 4 करारदादों के मुतालिक महकमे को पहुँच जाने से मुतालिक जरूर आगाह किया। गिला शिकवा पेट्रोल से तकरीबन हमारे और वक्त रहा है, तो करारदाद की अहमियत, करारदाद को अहमियत देते ही नहीं है। हम लोगों ने अच्छा करारदादें भी लाया और यहाँ से भेजा भी इस्लामाबाद, मगर 5 सालों में वफाक ने एक करारदाद को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे ख्याल से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बलोचिस्तान असम्बली के इजलासों पर भारी भरकम अखराजात के बावजूद सूबाई असम्बली से मंजूर होने वाले करारदादों पर अमल ना होना एक अलमिये से कम नहीं। ताहम अराकीन असम्बली को उम्मीद है कि शायद अगली हुकूमत बलोचिस्तान के इस गिरे को दूर करने में कामयाब हो जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, क्वेटा।